प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस सने प्यार आस्था के साथ आप लोग मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसके लिए कोट कोट धन्यवाद। दोस्तों आप लोग यही सने प्यार मुझको देते रहिए। मेरा भी पूरा प्रयास है कि अपने विद्वता के अनुसार आपको अधिक से अधिक कुंडली के भाव, राशि, नक्षत्र, ग्रहों की युक्ति, हां, लाभ, अनेकों समस्याएं जो कुंडली ग्रहों से संबंधित है बताता रहूंगा, आप लोग देखते रहिए। आज एक बहुत अच्छा वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। केतु ग्रह कुंडली के किन किन भावों और राशियों में महाभाग्यशाली बनाते हैं। केतु के बारे में आप जानते हैं, बहुत बुरा ग्रह माना गया है। जब भी कोई महावरा होता लोग कहते हैं राहु केतु, आज मैं महाभाग्यशाली भी बनाता है उसको सुनिए। जिसके कुंडली में लग्न से दूसरे भाव में मीन राशि हो उसमें केतु अगर बैठा हुआ है, ऐसे लोग जीवन में स्वयं निर्माण करते हैं, भाग्यवान होते हैं, भाग्यशाली होते हैं और जीवन में कभी कर्जदार नहीं होते। जिसके कुंडली में लग्न से चौथे भाव में सिंह राशि हो उसमें अगर केतु बैठा हुआ है, ऐसे लोग महान विद्वान होते हैं, लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं और प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से नौवें भाव में धनु राशि है उसमें अगर केतु बैठा है, जैसा आपको मालूम है नौवें भाव में केतु उच्च का हो जाता है, ऐसे लोग उद्योग में सफलता पाते हैं, राजनीति में सफलता पाते हैं, नौकरी में सफलता पाते हैं, छोटी नौकरी करके उच्च पद की प्राप्ति करते हैं, जीवन इनका पूर्ण सफल होता है और इनके पास जो भी जीवन में धन दौलत इज्जत प्रतिष्ठा रहती है स्वयं का बनाया हुआ रहता है। ये किसी के मोहताज नहीं होते हैं, ये लोग उदार भी होते हैं, दयालु भी होते हैं, धर्मात्मा भी होते हैं। जिसके कुंडली में ग्रहमय भाव में कुंभ राशि हो उसमें अगर केतु बैठा हुआ है तो ये विदेश भी बेचता है, विदेश से भी धन कमवाता है, ऐसे लोग कई उद्योग अपने जीवन में करते हैं, ऐसे लोग का सामाजिक प्रतिष्ठा कभी खराब नहीं होता है, कभी कर्जदार नहीं होते हैं और कम परिश्रम इनको अधिक लाभ मिलता है। जिसके कुंडली में 12वें भाव में मीन राशि हो उसमें अगर केतु बैठा है इनके, ऐसे लोग भाग्यवान होते हैं, ऐसे लोग सामाजिक कार्य करते हैं, गरीबों की सहायता करने वाले होते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, इनके चौथेपन बहुत अच्छे व्यतीत होते हैं और इनका जीवन रंग से राजा बन जाता है, जीरो से हीरो बन जाते हैं, ऐसे लोग की पहचान सामाजिक बहुत अच्छी होती है। ये बहुत छोटा सा वीडियो आपके सामने मैंने रखा है, इसको सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझसे संपर्क करिएगा, मेरे प्रत्येक वीडियो में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अगर कोई मित्रगण अपनी कुंडली का विशेष विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मुझसे फ़ोन पर संपर्क करिए, उसके लिए कुछ फीस देना होगा, फीस देंगे तो मैं विवेचन कर दूँगा। आप लोग के सहयोग के लिए मैं फ़ोन नंबर बोल देता हूँ, मेरा फ़ोन नंबर 9494253081111 है। इतना करके वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।